आप सभी को आलोक सिंह की तरफ से नमस्कार। हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में यूपीएसआई के लिए बैच आज से प्रारंभ हो रहा है। नवंबर में परीक्षा है, प्रवेश प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो रही है यूपीएसआई ऑनलाइन बैच में। प्रवेश की प्रक्रिया में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि सबसे पहले मैं बहुत सी जरूरी बातें आपको बताना चाहूँगा, कुछ ऐसी जानकारियाँ जो अब तक किसी अन्य सोर्स से आपको संभवतः न मिली हो। तो सबसे पहले तो हम परीक्षा योजना समझा दें, सिलेबस को किस तरह से क्लासिफाइड करना चाहिए, है ना। आप लोगों ने अब तक सिलेबस देख चुका होगा, नवंबर में लिखित परीक्षा है, फरवरी में फिजिकल एग्जाम है। सबसे बड़ी चुनौती है नवंबर में लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा की एक योजना मैंने प्रस्तुत की है, मैं चाहता हूँ कि इस योजना को आप अच्छे से पहले समझ लीजिए। एडमिशन लेना है हमारे ऑनलाइन बैच में, नहीं लेना है वो दूसरी बात है, है ना, आप जो भी डिसाइड करिए, लेकिन एक बार परीक्षा योजना को आप समझ लेंगे तो संभवतः स्वयं से भी आप कहीं बेहतर तैयारी कर पाएंगे। परीक्षा योजना सामने है, कुल 160 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंकों का होगा। इस हिसाब से आपका जो प्रश्न पत्र होगा यूपीएसआई का लिखित प्रश्न पत्र वो 400 अंकों का बनेगा, है ना, पूर्णांक 400 है, प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंकों का है। प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित रहेगा, सामने लिखा हुआ है। विषयवार 4 भाग होंगे आपके प्रश्न पत्र में, ये 4 भाग हैं, सामान्य ज्ञान, संविधान और मूल विधि, है ना, सामान्य ज्ञान, संविधान और मूल विधि 40 अंकों का, सामान्य मानसिक अभिरुचि 40 अंकों का, संख्यात्मक योग्यता 40 अंकों का, इसके बाद सामान्य हिंदी ये भी 40 प्रश्नों का, ये सभी 40 अंकों के ना होकर 40-40 प्रश्नों के हैं। अगर प्रत्येक प्रश्न को हम 2.5 अंकों के हिसाब से मल्टीप्लाई करें तो प्रत्येक खंड आपका 100 अंकों का पड़ रहा है, 100-100 अंकों के 4 खंड हैं, इस तरह से 400 अंकों का हुआ। देखने में ये लग रहा है कि सभी 40-40 प्रश्नों, ये सभी जो खंड हैं ये 100-100 अंकों के हैं, लेकिन इनको अगर आप थोड़ा सा विचार करके क्लासिफाइड करेंगे तो थोड़ा सा अंतर नजर आएगा। जैसे सामान्य मानसिक अभिरुचि और संख्यात्मक योग्यता यानी रीजनिंग और मैथ्स, कहने को तो 40-40 अंकों के हैं, लेकिन आइए इसे हम थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। 40-40 प्रश्न हैं, रीजनिंग के 3 खंड हैं इसमें, है ना। पहला जो खंड है, आप सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो पहला खंड है सामान्य अभिरुचि परीक्षा, दूसरा खंड है बुद्धि लब्धि परीक्षा, तीसरा खंड है तार्किक परीक्षा। ये तीनों रीजनिंग के 3 खंड हैं, 3 अलग अलग भाग में आपके रीजनिंग के सिलेबस को बांटा गया है। अगर फिर आप मैथ्स को देखिए, मैथ्स को 2 भागों में आपके सिलेबस में बांटा गया है, यह है संख्यात्मक योग्यता परीक्षा और दूसरा है सामान्य मानसिक योग्यता। सामान्य मानसिक योग्यता के सिलेबस को आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारी बातें मैथ्स की नहीं है, ये मैथ्स के अंतर्गत भी जो दूसरा भाग है मैथ्स का, जिसे 40 प्रश्नों के अंतर्गत पूछा जाना है, 100 अंकों के अंतर्गत, उसका एक अच्छा खासा भाग मैथ्स ना होकर रीजनिंग है, है ना। ये रीजनिंग के 10 प्रश्न आएंगे, इसका मतलब कि मैथमेटिक्स में 30 प्रश्न ही लगभग मैथमेटिक्स के होंगे, बाकी जो 10 प्रश्न होंगे वो रीजनिंग के होंगे। निष्कर्ष ये निकलता है कि रीजनिंग के 40 प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो तो रीजनिंग सेक्शन में है ही, 10 प्रश्न मैथ्स के भी, मैथ्स वाले खंड में भी 10 प्रश्न रीजनिंग के ही हैं। इस तरह से अगर आप दोनों को जोड़ दीजिए तो हम पाएंगे कि रीजनिंग के कुल 50 प्रश्न हैं जिसे रवि पी तिवारी द्वारा कवर किया जाएगा, और ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि अगर रवि पी तिवारी के सानिध्य में कोई पूरा रीजनिंग पढ़ ले तो इंसान तो छोड़िए मुर्दे भी रीजनिंग लगाना जान जाएंगे, क्योंकि रवि पी तिवारी की रीजनिंग की क्षमता अद्भुत है, न केवल पढ़ाने की बल्कि आपको सिखा देने की भी। तो 50 प्रश्न टोटल कितने प्रश्न हैं आप ये देखिए, मूल्यांकन करिए, टोटल प्रश्न आएंगे 160, जिनमें से 50 प्रश्न तो केवल रवि पी तिवारी द्वारा रीजनिंग के ही हैं। इतना ही नहीं, आप एक चीज और ध्यान से देखिए, करंट अफेयर्स सामान्य ज्ञान वाले सेक्शन में पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान वाले सेक्शन में, खंड में 3 भाग हैं, सामान्य ज्ञान वाले खंड के 3 भाग हैं, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। जब आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें 3 शब्द लिखे हुए हैं, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। संविधान को अगर हम सामान्य ज्ञान ही माने, अब जो भी रीजन हो संविधान को अलग लिखा गया है, लेकिन संविधान तो वैसे सामान्य ज्ञान का ही एक भाग है, जैसे इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संविधान, अर्थव्यवस्था, है ना। तो सामान्य ज्ञान अगर संविधान को मिला लें तो सामान्य ज्ञान से 20 प्रश्न आएंगे आपके।
मूल विधि से 40 प्रश्न आएंगे, करंट अफेयर से 10 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार ये जो करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न हैं, ये भी रवि पी तिवारी द्वारा ही कवर कर दिए जाएंगे। इस तरह से रवि पी तिवारी जी द्वारा कुल 60 प्रश्न यानी 160 प्रश्न पूछे जाने हैं आपके प्रश्न पत्र में, उनमें से 60 प्रश्न तो सिर्फ रवि जी ही कवर करवा रहे हैं, है ना। यानी लगभग लगभग एक तिहाई से ज्यादा हिस्सा, आपके प्रश्न पत्र का एक तिहाई से भी ज्यादा हिस्सा रवि पी तिवारी द्वारा कवर किया जाएगा, जिनमें से रीजनिंग और करंट अफेयर्स। हमने बताया कि रीजनिंग के 50 प्रश्न हो जाएंगे और करंट अफेयर्स के 10, इस तरह से 60 प्रश्न तो रवि जी कराएंगे। मूल विधि क्या है? क्या यह संविधान का ही कोई भाग है? बिल्कुल गलत। अगर आप सामान्य तरीके से संविधान की पढ़ाई करके चले जाएंगे तो मूल विधि के 10 प्रश्न नहीं हल कर पाएंगे, जैसा कि पिछले वर्षों में हुआ है। पिछले वर्षों में मूल विधि के अंतर्गत कुछ कानूनी दांवपेच की जानकारी आपसे अपेक्षित है। उत्तर प्रदेश में दरोगा बनने के बाद कुछ कानूनी दांवपेच की जानकारी आपसे अपेक्षित है परीक्षा के लिए, और दरोगा बनने के बाद आपको उनका उपयोग करना पड़ेगा, आपको उनके उपयोग की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मूल विधि के अंतर्गत बहुत से पक्षों से जुड़े, समाज से जुड़े, पर्यावरण से जुड़े, है ना, तमाम पक्षों से संबंधित कुछ कानूनी दांवपेच आपको जानने होंगे। इस कानूनी दांवपेच को आपको सिखाने के लिए संस्था ने, हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ने, दो विशेषज्ञ बुलाए हैं। इनमें से एक है अतुल तिवारी जी, BHU से लॉ हैं, ये काफ़ी इनकी पकड़ है, और दूसरे हैं संजय सिंह जी ये LLB हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिवक्ता हैं इस समय। तो आप दोनों लोगों का मूल विधि पर अच्छा कंट्रोल है, और आप दोनों लोग आपको UPSI की परीक्षा के लिए मूल विधि इस तरह से पढ़ा देंगे कि आप 10 में से इसमें से भी आसानी से 8 प्रश्न हल कर सकेंगे, जो कि सामान्यतः अभ्यर्थियों द्वारा गलत किए जाते हैं। तो यही छोटी छोटी कुछ बातें हैं जिन पर अगर आप पकड़ बना लें, जैसे मूल विधि हो गया, मूल विधि की विशेष तैयारी। दूसरा, इस बात को समझना कि मैथमेटिक्स के प्रश्न वास्तविक रूप में 30 ही रहेंगे और रीजनिंग के 50 रहेंगे, इस बात को समझना। और तीसरा, इस बात को समझना कि 160 प्रश्नों में से 60 प्रश्न केवल रवि पी तिवारी जी के हाथ पर रहेंगे, जिनका करंट अफेयर्स और रीजनिंग दोनों में ऑनलाइन दुनिया में कोई सानी नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। तो हम जो ऑनलाइन बैच शुरू करने जा रहे हैं UPSI के लिए, उसकी अन्य खास बातें देख लीजिए। सामान्य ज्ञान और संविधान, है ना, एक साथ ले लेते हैं। संविधान को अलग से क्या बोलना, तब यहां से 20 प्रश्न हो गए। थोड़ा सा बैक में जाते हैं, मूल विधि से 10 प्रश्न, सामान्य ज्ञान से 20 प्रश्न, करंट अफेयर से 10 प्रश्न, कुल हो गए ना 40 प्रश्न। अब देखते हैं सामान्य ज्ञान का जो सेक्शन है, इन फैकल्टी से आप अच्छी तरह से परिचित हैं, इतिहास के परिचित हैं, इतिहास के शेखर जी, भूगोल के गौरव जी, संविधान के संतोष जी, है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था के रमेश जी, और सामान्य विज्ञान के NK सिंह जी, है ना, नीतीश जी कहते हैं इन्हें। तो अब बचा सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी अमरीश शुक्ला जी आपको कवर कराएंगे। अमरीश शुक्ला जी की शैली ऐसी है कि अगर आप उनसे इत्मीनान से, मार्केट में क्या अफवाह है उनके बारे में मुझे उससे मतलब नहीं, अमरीश शुक्ला जी से अगर आप इत्मीनान से पूरा का पूरा कोर्स कवर कर लें तो 40 प्रश्नों में से कम आप 34 से 35 हल करेंगे, अगर अमरीश शुक्ला जी से आप पढ़ लें तो। क्योंकि मैंने बहुत से हिंदी के अध्यापक देखे हैं, अमरीश शुक्ला जी जैसा दूसरा सामान्य हिंदी मैंने पढ़ाते हुए अब तक नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात कि हिंदी में ज्ञान जितना अमरीश शुक्ला जी को है उतना बहुत ही दुर्लभ लोगों को होता है। अमरीश शुक्ला जी एकमात्र व्यक्ति है जिनको पढ़ाने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ये पूरा हिंदी से भरे हुए हैं अपने आप में। ऑनलाइन बैच की कुछ खास बातें हम देख लेते हैं। आपको नवंबर में परीक्षा है, मान लेते हैं 15 नवंबर को आपका एग्जाम है, तो आपसे लेकर कितने समय बचा है, लगभग 2.5 महीने। 2.5 महीनों में लिखित परीक्षा की तैयारी बहुत ही आसानी से की जा सकती है, अभी भी देर नहीं हुआ है। लेकिन अब अगर आगे आप देर करेंगे, और उत्तर प्रदेश में दरोगा बनने के लिए संजीदा हैं, है ना, उत्तर प्रदेश में कौन दरोगा नहीं बनना चाहेगा, काम बहुत जिम्मेदारी का भले ही है लेकिन ग्लैमर से भरा हुआ पद होता है, खासकर जब आप दरोगा यानी उप निरीक्षक से प्रोन्नति पाकर जब आप थानाध्यक्ष बनते हैं, तो पुलिस में जनता से सीधे संवाद थानाध्यक्ष का होता है। आप कभी थाने में गए होंगे तो दरोगा की हैसियत, अधिकार, रुतबा आप अच्छे से देखे होंगे, निश्चित रूप से उसी को ध्यान में रखकर आपने फॉर्म भरा होगा।
निर्णय लेने की भी क्षमता होती है काफी हद तक। इवन डीवाईएसपी के पास भी प्रत्यक्ष उतने अधिकार नहीं होते जितने थानाध्यक्ष के पास होते हैं। ये अलग बात है कि डीवाईएसपी का कुछ कंट्रोल होता है थानाध्यक्ष पे, लेकिन ज़्यादातर मामले थानाध्यक्ष के हाथ में होते हैं, काफ़ी पावरफुल पोस्ट होता है। ये अलग बात है कि जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि 24 घंटे में कभी भी आपके पास फ़ोन आ सकता है, जन शिकायत आ सकती है, लेकिन रुतबा बहुत ऊँचा है इस पद का। तो 2.5 महीने अभी लिखित परीक्षा के लिए बचे हुए हैं, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं हमारी टीम के साथ। ऑनलाइन आपको क्लासेस दिए जाएंगे। हम एकमात्र इंस्टीट्यूट हैं, तागेवी तालुक एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो लाइव क्लासेस देता है। अन इंस्टीट्यूट रिकॉर्डेड क्लासेस आपको भेज देते हैं, यहाँ पर सारी क्लासेस आपको लाइव होंगी। और कोई अन्य इंस्टीट्यूट अगर लाइव क्लासेस पढ़ाता भी है तो उसको बाद में आप नहीं देख सकते हैं, लाइव क्लास खत्म होते ही वो क्लास समाप्त हो जाती है। किसी कारणवश आप लाइव नहीं देख पाए तो बाद में नहीं देख पाते हैं। हमारे यहाँ लाइव भी क्लासेस देख सकते हैं सभी विषयों की, चाहे रीजनिंग हो, मैथ्स हो, सामान्य ज्ञान हो, करंट अफेयर्स हो, सामान्य हिंदी हो। लाइव क्लास देखने के बाद आप उसकी रिकॉर्डिंग भी जितनी बार चाहे परीक्षा तक देख सकते हैं। लाइव क्लासेस के अलावा आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं, हमारे हर बैच में होता है, किसी एक बैच की खासियत नहीं है। पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, पीडीएफ नोट्स के बाद अध्यापक कुछ नोट्स अपने हाथ से तैयार करते हैं। हमारे अध्यापक अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स आपके लिए बनाएंगे, यूपीएसआई के लिए स्पेशल। सबसे कारगर ये पीडीएफ नोट्स से भी ज़्यादा कारगर नोट्स होता है। क्यों? क्योंकि पीडीएफ नोट्स कहीं अधिक विस्तृत होता है, जबकि अध्यापकों के हाथ से लिखे हुए नोट्स ज़्यादा कॉम्प्रेस्ड और इम्पॉर्टेंट होते हैं और प्रत्येक परीक्षा के लिहाज से तैयार किए जाते हैं। तो हैंड रिटन नोट्स के अलावा आपको 7 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। 7 प्रैक्टिस सेट, मान लेते हैं आपकी परीक्षा 15 नवंबर को है तो आपको 5 नवंबर तक प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। हमारे प्रैक्टिस सेट भी काफ़ी पॉपुलर हैं, जो लोग ऑनलाइन बैचेस में रह चुके हैं उन प्रैक्टिस सेट का महत्व समझते हैं। ये अलग दुर्भाग्य है कि 1 साल से हमने जितने भी बैच चलाए उनका रिजल्ट अब तक नहीं आया, लेकिन ईश्वर करेंगे कभी रिजल्ट आएगा हमारे ऑनलाइन बैचेस का, तो आप देखिएगा सफलता की एक अलग ही कहानी गढ़ी जाएगी। यहाँ पे हम भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। एडमिशन लेने के लिए क्या करना है, एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 7398035775। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप एंट्री फॉर यूपीएसआई लिखकर भेज देंगे तो 2 से 3 घंटों में, अगर लेट हुआ तो 2 से 3 घंटों में आपको एडमिशन की प्रक्रिया बता दी जाएगी। उस प्रक्रिया का पालन करते हुए आपको व्हाट्सएप पर एडमिशन की प्रक्रिया बताई जाएगी। प्रक्रिया का पालन करते हुए आप कुछ शुल्क होगा उसे जमा करिए, जमा करने के बाद गारंटीड आप हमारे बैच के सदस्य होंगे। शीघ्र ही आपको हमारे वेबसाइट का लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। ये सब चीज़ें आप गोपनीय रखेंगे, आपको जो भी दिया जाएगा किसी से शेयर मत करिएगा वरना उसे दिक्कत हो सकती है। तो आप लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड पाएंगे और उसके बाद जैसे ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड पाएंगे हमारे वेबसाइट का लिंक आपको दिया जाएगा। सब कुछ इसी आपके जिस व्हाट्सएप से आप भेजेंगे, हमारे बैच में आने तक, ऑनलाइन बैच में आने तक आपसे पूरा संवाद आपसे व्हाट्सएप के थ्रू ही होगा। एक बार जब आप हमारे बैच में आ गए तब आपसे संवाद वीडियोस के माध्यम से होने लगेगा वेबसाइट पर, ठीक है। तो पहले तो आप एडमिशन प्रक्रिया पूरी कर लीजिए, उसके बाद आपको हम रिप्लाई करेंगे कि आगे क्या करना है। 29 तारीख तक एडमिशन खुला हुआ है, आज 25 है, 26, 27, 28, 29, इन 4 दिनों में यानी 29 अगस्त तक अपना एडमिशन सुनिश्चित करिए। उसके बाद कक्षाएं 1 या 2 सितंबर से प्रारंभ हो जाएंगी। बाकी जानकारियां आपको रवि जी स्वयं देंगे, इंतजार करिए। नमस्कार।